हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के पुनर्परीक्षा के संबंध में एक आवश्यक सूचना आई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का ये है, ठीक है। इतर द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी एवं उनके अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी ही दिनांक 9 सितंबर 2020 से 21 सितंबर 2020 तक आयोजित STET 2019 की पुनर्परीक्षा के तहत ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होंगे। मतलब पहले से जिन लोगों ने आवेदन किया है वही लोग सम्मिलित होंगे। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने के लिए आवेदन किए हुए अभ्यर्थी को इस पुनर्परीक्षा में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा अलग से परीक्षा शुल्क देने की भी आवश्यकता नहीं है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 की पुनर्परीक्षा आयोजित करने हेतु माध्यमिक शिक्षक पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक पेपर 2 के तहत विषय बार पद का विवरण निम्न रूपेण है, ठीक है। इसमें पद का वो दिया गया है कि किस सब्जेक्ट में कितना पद है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं। इस तरफ एक तरफ माध्यमिक का दिया हुआ है जो हाई स्कूल के लिए होता है, और इधर प्लस टू के लिए जो 11th और 12th के लिए होता है उच्च माध्यमिक का सो दिया गया है, ठीक है। कितने पद है इसमें, हाई स्कूल में 25,270 है और इधर 12,170 है। इसी क्रम में सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2019 के आयोजन से के संबंध में समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या यहाँ दिया गया है 2019 में अंकित नियम एवं शर्त इस पुनर्परीक्षा में भी लागू होगी जो पहले से थी। मतलब कुछ भी इसमें बदलाव नहीं है, पहले से भी आप लोग देखे होइएगा चयन प्रक्रिया कैसे होगा, ये सब दिया गया है। चयन की प्रक्रिया में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी को उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातक स्नातकोत्तर में भी समान अंक प्राप्तांक होने की स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। इसके बाद समय वगैरह दिया गया है किस परीक्षा के लिए कितना समय मिलेगा, और इधर कोड दिया गया है, सारे विषय का कोड दिया गया है। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब कुछ भी बदलाव नहीं है, पहले जैसे था सेम का सेम वही सब चीज़ यहाँ पे दिया गया है, किस विषय के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो आप लोग पहले से जान रहे हो, कुछ नया इसमें नहीं है। प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के विषयवार एवं कोटिवार कुल पदों के बराबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी को ही मेधा सूची तैयार की जाएगी, तदनुसार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाएंगे। प्रमाण पत्र की वैधता माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण उम्मीदवार को अधिकतम 7 वर्ष तक पात्रता परीक्षा के आधार पर शिक्षक बनने के योग्य माना जाएगा, परंतु यह वैधता नियुक्ति हेतु प्रावधानित अधिकतम उम्र सीमा तक ही मान्य होगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जो भी लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।